The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. कौन नहीं चाहता है लंबा जीना? कौन नहीं चाहता है कि भाई, कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं, मुझे तो ज़्यादा नहीं जीना है, मुझे तो वैसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। बाकी लोगों को लगता है कि भाई बुढ़ापे की ज़िंदगी अच्छी नहीं है, तो बुढ़ापे तक जाने से पहले ही मर जाए तो अच्छा है। ऐसे कई लोग भी हैं, लेकिन कई लोग लंबा जीना चाहते हैं। कई लोग जापान और बाकी लोगों के वो बोलते रहते हैं, अरे इतने साल, 200 साल तो नहीं, 100 साल, 110 साल वहाँ जीते हैं, तो हम कैसे लंबा जी सकते? हाउ कैन यू लिव लॉन्गर, है ना? अब बाकी करो या ना करो, नॉलेज तो होनी चाहिए, है कि नहीं? पता तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ, ये किया मेरे 4 दिन कम हो गए, ये किया 10 दिन कम हो गए, इससे तो साल भर कम हो गया, है ना? इससे मेरा कम हो गया, क्या कम हो गया, लाइफ कम हो गई। जी हाँ, कई चीज़ें हैं जिनसे लाइफ कम होती है, कई चीज़ें हैं जिनसे लाइफ बढ़ती है। तो ये है क्या, वो क्या है, आज हम बात करेंगे आज की इस क्लास में, कि आपको प्रोफेशनल टिप्स दी जाएगी कि आप एक लंबी, हेल्दी, गुणकारी, प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, राइट? सो किसी भी उम्र के हैं आप, कुछ भी काम करते हैं, आपके मन में, आपके पास वो ताकत है, वो पावर है कि आप अपनी आगे की जीवन को, आपके आगे की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू कैन लिव लिटिल लॉन्गर वॉट एवर यू आर सपोज टू लिव, हाउ, राइट? उस पे डिपेंड करेंगे कई सारी चीज़ें। नंबर वन, हाउ एक्टिव यू आर, बहुत बड़ा फैक्टर है, हाउ एक्टिव यू आर। जो बंदा ज़्यादा इनएक्टिव है उसकी लाइफ कम होती जाएगी, प्लेन एंड सिंपल, राइट? जैसे खड़े खड़े लोग चीज़ों में जंग लग जाता है, वैसे आप में जंग लग जाता है। अगर आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो क्षमा चाहते हैं भाई साहब, कोई भी दुनिया की डाइट आपको नहीं बचा पाएगी, यानी नहीं जीने दे पाएगी, whatever you call it, right? So अब क्या करना होगा, actions जो आपको करना होगा, active रहना बहुत ज़रूरी है, और आपके vitals जो है वो check होते हैं, vital parameters और vital चीज़ें खानी पीनी ज़रूरी है। नंबर वन चीज़ जो action है जिससे कि आपकी लंबी life चलेगी, उसमें नंबर वन टॉप थिंग इन द वर्ल्ड, एक गुण लेके जाएंगे यहाँ से। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कहा यार चलता है यार, कभी कभार में कुछ नहीं होता, होता है क्या, स्मोकिंग। जी हाँ, स्मोकिंग इज समथिंग विच यू आर गेटिंग इनसाइड योर बॉडी, खा नहीं रहे हो, स्मोक कर रहे हो, लंग्स में जाने एब्जॉर्ब हो रहा है, सो यू डोंट हैव टू स्मोक। स्मोकिंग छोड़ दो, लाइफ बढ़ेगी। नंबर वन, बोलेंगे तो पता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है तो पहले तो बताएंगे ना, सबसे बड़ी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो पहले बतानी पड़ेगी। स्मोकिंग मुझे पता है पर भी मैं स्मोक करता हूँ, क्या एक दिन चला जाए, ऐसा नहीं भैया, किसी को अटैक आ जाएगा, सालों ख़त्म हो जाते हैं लाइफ के, सालों भाई। 30 साल में हार्ट अटैक उसी को आता है जो ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, और किसी को ना आता। सिंपल सी बात है, स्मोकिंग नहीं करना, उसमें एक रत्ती भर की अच्छी चीज़ ना है, रत्ती भर की अच्छी चीज़ ना है स्मोकिंग। अल्कोहल की बात अभी नहीं कर रहे, वो बाद में बताएंगे, अल्कोहल भी बुरा है लेकिन वो लिमिट में फिर भी चल जाएगा, लेकिन स्मोकिंग पाप है, पाप है, सीधी बात लिख के ले लो, लिखित मत, ठीक है, हो गया स्मोकिंग। अभी डाइट पे आते, पर सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी। भैया दोनों चीज़ें जरूरी, एवरी डे फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। क्या है जो हम कर रहे हैं, सोच रहे, सुन रहे, समझ रहे, उसको लोगों को बताएंगे, वो मेंटल एक्टिविटी। जो हम बता रहे हैं आपको वो भी मेंटल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, यहाँ से तल के आना, दौड़ भागना, सुबह से हम दौड़ भाग कर रहे, कभी उधर जा रहे हैं, कभी वो सेंटर में, कभी ये, कभी वो फिजिकल एक्टिविटी। जी हाँ, ज़्यादा देर, लंबा समय, 8 घंटे, 4 घंटे एक जगह बैठ के, इनएक्टिविटी, ठीक है? सो फिजिकल एक्टिविटी एवरीडे रखना, एज मच एज पॉसिबल, इट्स वेरी सिंपल, एज मच एज पॉसिबल, पॉसिबिलिटी को बढ़ाते जाओ, एंड वॉट यू विल सी दैट योर लाइफ विल गेट लॉन्गर, इवन इफ आपको डायबिटीज है, इवन इफ आपको हार्ट अटैक हो रहा है, राइट? फिजिकल एक्टिविटी रखने वाले को नेचुरल बाईपास बन जाते हैं, मैंने कई बार समझाया अपने वीडियोस में, और इसीलिए कई लोग स्मोकिंग करके भी लंबा लंबा जी लेते हैं, बोले इसको तो कुछ ना हुआ, वो काउंटर बैलेंस हो रहा है,
उसका भाई साहब का फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगा, वो आर्मी में होगा, उसकी लाइफस्टाइल अलग होगी, उसमें बथेरे फैक्टर होंगे, वो दिल्ली में नहीं रहता होगा, वट एवर इट इज, यू गेट माई पॉइंट. सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स. एक बंदा लकी है, आप लकी होगे क्या? नहीं. सो स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, दो नंबर की बात है. तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अब आते हैं बात को, हेल्दी डाइट. जी हाँ, तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन आता है हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट में क्या लेना है? पांच बेसिक चीज़ें लेनी भैया, पांच बेसिक चीज़ें. ग्रेन्स लेने तो होल ग्रेन्स, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने, होल ग्रेन्स लेने. रिफाइंड ग्रेन्स मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें ना लो, मैदे से बनी हुई रिफाइंड ग्रेन, होल ग्रेन फूड लो. दूसरा वेजिटेबल खाया करो दबा के. तीसरा फ्रूट खाया करो दबा के, राइट. और जो फैट खाओगे वो आपने हेल्दी फैट खाना है, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, ओमेगा थ्री वाले फैट्स खाने, ओमेगा थ्री वाले खाने हैं. और प्रोटीन खाना है, प्रोटीन के बगैर आगे नहीं बढ़ पाओगे. एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स टू रीजनरेट, रिप्रोड्यूस, आगे नया बना. भैया आपका जो स्किन है ना, स्किन अगले 28 दिन में, 28 डेज में पूरी की पूरी बॉडी की चमड़ी नई बन जाती है. एक एक सेल, मतलब एवरी डे कुछ सेल निकलते हैं, एवरी डे कुछ सेल आते हैं, ऐसा है. तो 28 दिन में नया का नया पूरी स्किन नई आ जाती है. तो मींस हमें कंटिन्यूसली प्रोटीन चाहिए नई स्किन बनाने को. प्रोटीन कम खाओगे तो स्किन भी कम बनेगी, बाल भी कम बनेंगे, बिकॉज योर बॉडी विल कॉन्सेंट्रेट कि वॉट एवर प्रोटीन्स रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ों में लगाएं, वो लगाएं आपके लिवर, किडनी, ऑर्गन्स, इन सब मसल्स, मांसपेशी को काम करने के लिए, ना कि स्किन पे. तो स्किन खराब होने लगती है. तो यू नीड प्रोटीन्स, यू नीड दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ. इफ यू आर वेजिटेरियन, वेगन हो तो सोयाबीन, नॉन वेज हो तो नॉन वेज, या इनमें से कोई चीज़ डेली डेली. इट्स नॉट अबाउट कब ही खा ली, मैं तो खाता हूँ. कब कहते हैं मैं नॉन वेज खाता हूँ, कब? 6 महीने में एक बार. दैट्स नॉट नॉन वेजिटेरियन, दैट्स नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, राइट. रेगुलर खाते हो तो उसका इफेक्ट लाइफ पे पड़ेगा, डाइट पे पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, राइट. साल में एक बार नॉन वेज खाने को नॉन वेज खाना नहीं बोलते. बिल्कुल जैसे लोग दारू पीते साल में, मैं दारू नहीं पीता, बहुत रेयरली, वैसे बहुत रेयरली नॉन वेज हो गया. फिर क्या करना है? जी हाँ, फिर बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको एक मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा. जी हाँ, मैं जानता हूँ, कई सारे वीडियो देखे आपने, कई सारे आर्टिकल देखे कि मल्टीविटामिन नकली है, मल्टीविटामिन में आप पैसे फेंक रहे हो, बट देन नो, आपके और हमारे सबके शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, B12, जिंक, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ट्रेस एलिमेंट्स की कमी हो जाती है. खासकर अगर आप शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, ये पांच चीज़ें सही से नहीं खा रहे, तो बीच बीच में एक दो मल्टीविटामिन लेने में कोई नुकसान नहीं है. सबसे सस्ता वाला लो, महंगा वाले की ज़रूरत नहीं है, या जो मीडियम वाला वो ले लो, नो बिग डील, ठीक है. जो लोग ले रहे हैं वो लेते रहो, डेली ज़रूरत नहीं होती, एक दिन छोड़ के हफ्ते में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कमी निकल रही है ज़्यादा बार, कमी निकली तो इंजेक्शन भी लगाना पड़ता भैया, वो तो है. तो मल्टीविटामिन लेनी है. फिर क्या इंपॉर्टेंट है? पतले होना है, डाइटिंग करनी है, क्योंकि मोटे होगे तो वजन, वजन से हेल्थ खराब होगी, आपका लाइफ कम होगा. तो यू हैव टू लूज वेट, मेंटेन अ हेल्दी वेट, अ बॉडी शेप, एक बॉडी शेप मेंटेन करना है. अब हमें देख लो, हम 6 महीने हो गए जिम नहीं, 6 महीने से ऊपर हो गया जिम नहीं गए, और करे बनी, क्योंकि तो घर में हमारे जिम जहाँ है वहाँ एसी नहीं है, और इतनी गर्मी में जिम ना होता, ऐसा हो रहा तो बड़ी मुश्किल, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं बस, और क्या, दंड बैठक कर ले, साइकिल चला लिया, और कुछ नहीं होता आजकल. सो वो भी कभी कभार. सो हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए साम दाम दंड भेद जो समझ आ रहा है करो. हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं उसके बारे में भी. बेसिक लो कार्ब डाइट, कीटो नहीं, लो कार्ब डाइट. फिर ये सब तो हो गया फिजिकल हेल्थ, ये हो गया डाइट. फिर क्या चाहिए? क्या कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने से वो बढ़ेगा लाइफ? नहीं. क्या फिश खाने से लाइफ बढ़ेगी? नहीं. क्या चिकन खाने से लाइफ बढ़ेगी? नहीं. क्या सिर्फ ओमेगा थ्री खाने से लाइफ बढ़ेगी? नहीं. यू नीड बैलेंस डाइट, ये पांचों चीज़ चाहिए, नहीं तो लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं. पांचों चीज़ का प्रोपोर्शनेट चाहिए, इक्वल, जितनी हाथ में उंगलियां उतना. या जैसे पूरे दिन का खाना एक टेबल पर रखा तो उसमें अगर वेजिटेबल इतू सा है, मतलब एक उंगली है नहीं, फिर काम करके दिखाओ हाथ से, नहीं होगा ना वैसी. सो एवरी सिंगल फिंगर इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर हैंड. सेम वे एवरी सिंगल फूड इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ डेली डाइट. फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स एंड हेल्दी फैट्स जरूरी है, राइट. सो
तो उसके सोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे, वो अलग बात है। फिर माइंड के लिए क्या करना, फॉर योर हेल्दी माइंड यू हैव टू चैलेंज योर माइंड डेली। चैलेंज करने का एक बेस्ट तरीका है, आके मेरे वीडियो देखा करो यूट्यूब पे और यहाँ पे गोकी। दूसरा तरीका है उसको समझाने की कोशिश किया करो दूसरे को, बहुत बढ़िया चैलेंज का तरीका। और क्विज तो दे ही रहे हो आप, राइट, दैट इज इम्पोर्टेंट। और बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सोशल नेटवर्क, जितने आप सोशली एक्टिव होते हो ना, जितना इंटरैक्ट करते हो दूसरे लोगों से, पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरैक्ट यार दुनिया को तो खा गए, ये पॉलिटिक्स बेकार है, नेगेटिव इंटरेक्शन नहीं करनी है। टॉक अबाउट समथिंग, बी पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव इंटरेक्शन विल बिल्ड योर माइंड, विल बिल्ड पॉजिटिव एनर्जी इनसाइड यू, और उससे लाइफ बढ़ती। नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव इंटरेक्शन से डिप्रेशन होगा और कुछ नहीं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, फिर हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना है एज पर योर एज। 40 साल की उम्र हो गई, हर साल करो, उससे छोटे हो 5 साल में एक बार तो कर लो, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से वैसे ही कर लो, सर मेरा दूसरा भी देख लो कुछ और ख़राब तो नहीं है। इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड स्क्रीनिंग गाइडलाइंस, ब्रेस्ट कैंसर के लिए फीमेल्स की स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग, राइट, स्किन कैंसर के लिए स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। फिर बीपी, शुगर, हार्ट रेट, ईसीजी ज़रूरी रेगुलरली। फिर दांत, जी हाँ दांत भी बहुत इम्पॉर्टेंट, फ्लॉस करना है, ब्रश करना है, डेंटिस्ट को देखना है साल में एक बार या दो साल में एक बार, इट्स इम्पॉर्टेंट। कि दांतों से कई बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, बीमारियां करते हैं, लाइफ कम कर देते हैं, जी हाँ एक्चुअली फैक्ट है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर से पूछो, अगर आप कोई दवा ले रहे हो तो वो दवा, वो बीमारी को मैनेज करना सीखना है, डॉक्टर से टाइम लेना है। जो डॉक्टर टाइम नहीं देता, चेंज योर डॉक्टर, ऑल यू नीड इज टाइम। कभी कभार डॉक्टर बिजी हो जाए तो फिर ठीक है, लेकिन इफ़ योर डॉक्टर इज़ नॉट गिविंग यू टाइम, समझा नहीं रहे थोड़ा बहुत भी आपकी बीमारी के बारे में, आपको आइडिया ही नहीं आपको क्या बीमारी है, होती क्या है, देन यू आर गोइंग टू द रॉन्ग डॉक्टर, डो मैटर वो कितना अच्छा डॉक्टर है, राइट। यू डॉक्टर का लिटरल मीनिंग है टू टीच, डॉक्टरे टू टीच, इसीलिए PhD वाला भी डॉक्टर है, मेडिकल वाला भी डॉक्टर है, लेकिन दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो रिमेंबर, ये सारी चीज़ें करोगे तो लंबे जियोगे, सही रहोगे, नहीं करोगे तो नहीं जियोगे, कम जियोगे। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मुझे तो कम ही जीना है, मुझे तो 60 के पहले मर जाऊँगा तो बढ़िया, 50 के पहले मर जाऊँगा तो बढ़िया, नहीं। वो जो आपकी बॉडी की हालत 80 में होनी चाहिए, वो 40 में 50 में हो जाएगी अगर ये सब नहीं करोगे। ये चीज़ है, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे इसलिए मरोगे, बुढ़ापा सबने देखना है, एक्सीडेंट बीमारी से नहीं मरा तो, एक्सीडेंट या बीमारी से मर गए तो अलग बात है, लेकिन बुढ़ापा सबने देखना है। जो अच्छे से जिएगा वो सही टाइम पे बुढ़ापा देगा, जो सही से नहीं जिएगा वो जल्दी बुढ़ापा देखेगा। और बड़ी सच्चाई नहीं है दुनिया में, दिमाग में घुसा लो, लोगों को बता दो, शेयर करना है कर लो, नहीं करना है खुद के पास रखो, बट करोगे तो अच्छी बात, राइट। That's most important factors to live longer. सच्चाई है भैया, जो जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं अभी फेंक दो, अभी के अभी सारे फेंक दो, उठा के पान ठेले वाले को बोलना मेरे को ना चाहिए, धन्यवाद, ओके। उनको वीडियो दिखा देना, बोलना बेचना बंद कर दो, बोलेगा सर मेरे तो बाल बच्चे इसी से चलते हैं, तो बोलना जिसको बेचते हो उसको वीडियो दिखा दिया करो, फिर तुम्हारा धंधा खत्म हो जाएगा। चलो एनीवेज, उस पर क्या बोले, ठीक, कोई सवाल है तो ज़रूर लिखिए, जवाब दे रही कि हम पूरी कोशिश करेंगे।